हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएस स्मार्ट न्यूज़। फ्रेंड्स रुकिए रुकिए रुकिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपने एग्जिट नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो शायद ही मेरे चैनल की पहली काफ़ी शॉकिंग और अच्छी वीडियो हो सकती है। तो इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है लास्ट मोमेंट तक। फ्रेंड्स आप सब ये तो जानते हैं कि बाल बीर डांस जब से स्टार्ट हुआ है तभी से लेकर आज तक रानी परी की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है। बाल बीर डांस के फैंस चाहते हैं चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बाल बीर डांस में रानी परी की एंट्री जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सबका इंतजार खत्म होता है एक अलग और अनोखे तरीके से, तो वो क्या है ये सब हम आपको इसी ही वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखते रहना है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बारहवीं एंड बारहवीं ट्रांस के 5 बिग क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि रानी परी की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं माने थे, वो प्रूफ मांग रहे थे, और उन लोगों को मैंने आंसर किया था कि मैं इस पर वीडियो भी लेकर आऊंगा और वक्त इस बात का जवाब भी देगा। दोस्तों तिमनाजा की एंट्री भी वापिस होने वाली है, और आप सबने ये न्यूज तो सुन ली होगी कि भयंकर परी भी बहुत जल्द बारहवीं ट्रांस में वापिस आने वाली है। बारहवीं ट्रांस को अब सुपर हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पूरी स्टोरी बच्चों पर ली जाएगी, मतलब कि जो भी स्टोरी होगी टोटल बच्चों की स्टोरी होगी। एंड इसके अलावा आप सबकी चहेती रानी परी की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से जरूर देख लें। ये तो शुरुआत है रानी, पृथ्वी लोक पर मेरा ही राज चलेगा, पृथ्वी का हर एक बच्चा मेरे वश में। तो वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें तिमनासा कह रही है कि ये तो शुरुआत है रानी परी। जी हाँ रानी परी, आगे आगे देखो होता है क्या, पृथ्वी का हर बच्चा मेरे वश में होगा और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज चलेगा। अगर आपने इस वीडियो को नोट किया है तो मुझे जरूर बताना। एक तो ये कि तिमनासा वापिस आने वाली है, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा रानी परी भी वापिस आने वाली है, अब वो रानी परी सुदीपा सिंह होगी, ये कन्फर्म हम नहीं कह सकते। एंड इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी कन्फर्म हो गया होगा कि बालवीर के सीजन 1 की तरह बालवीर की स्टोरी भी अब बच्चों पर ले जाएगी। दोस्तों एक बात तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि बालवीर ट्रांस की अब स्टोरी काफी दमदार होने वाली है। इसके अलावा हम सबकी फेवरेट परियां वापस आ रही हैं। जी हाँ भयंकर परी एंड रानी परी, तो इसलिए अब बालवीर ट्रांस देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी हर वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। और अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड हमारे चैनल अबाउट में मिल जाएगा। और प्लीज 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 इस वीडियो को कॉपी नहीं कहिएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी होता हूँ जिसकी वजह से मैं पहले वीडियो नहीं बना पाता, वीडियो मैं काफी लेट बना रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि काफी यूट्यूबर्स ने इन सब अपडेट्स पर पहले भी वीडियो बना दी होगी, तो इसलिए ही मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। तो आज हम काफी दिनों के बाद आपको एक शायरी सुना रहे हैं जो कि हमने पहले काफी वीडियो में छोड़ दी थी, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आप लास्ट वाली शायरी जरूर किया करें। तो आज किया है, हाथों पे वो प्यारे प्यारे हाथ रख के बोली, यसु पंजू हार कबूतर ढोली।